आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कॉलरशिश लॉ फॉर द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे रखे सम ऑफ एंड एनायन थर्ड रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टर्स ऑफ केटाइनन एनाइन फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंडक्टर्स ऑफ केटाइनन एनआन चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स इस इसमें पूछ रहा है कि मतलब बेसिकली इसमें हमको अगर कॉलरस लॉ की डेफिनेशन पता है तो ये आंसर हमसे आसान से बन जाएगा तो चलिए पहले थोड़ा ब्रीफली समझते हैं मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेप्ट को हमको पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है एमसी में शॉर्ट फॉर्म लिखा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डायल्यूशन वाई बिकॉज जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है मतलब जैसे आयन है इन दोनों आयन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि हमने डायल्यूट कर दिया तो विथ ज्यादा आ, आ गए तो फिर इंटर आनिक डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण ये दोनों यानी फ्रीली मूव कर सकते हैं और जब फ्रीली मूव करेंगे तो फिर कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो बेसिक है मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है विद डायल्यूशन ओके और बट जब केस आता है इंफानाइट डल्यूशन का बट इन इंफानेट डल्यूशन जब हमने इंफानेट टाइम अपने स्विश को डाइल्यूट कर दिया तो उसके इस पर क्या होता है एट इनफिनिट एडलिशन वेन ऑल इंटर आयनिक इफेक्ट डिसअपियर्स इसका मतलब क्या है कि जब इन्फ्रा डुशन हो जाती है तो फिर जो आयन के बीच में इंटरेक्शन है वो एकदम खत्म हो जाती है मतलब बहुत ही ज़्यादा हमने डायल्यूट कर दिया को में उसके कारण क्या हो इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इंटर आयनिक जो इफेक्ट है वो डिसअपेयर हो जाता है और तो अगर तो ड्यूशन के, के केस में तो जो हम मोलर कनेक्टिविटी डिफाइन करेंगे वो क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वेन इट इज़ इंफ्राइटी डायलूटेड इट इज द सम ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या है अगर मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मैं मोलर कनेक्टिविटी निकाल रहा हूं पर इंफानाइट डायरेक्शन पर जब मैंने इन्फाइनिटी डायवर्ट कर दिया किसी सोल्यूशन को तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इसकी अगर मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है तो वो क्या होगी सम ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस मतलब ये इसका ये इसका कैटायन है इसका एनायन है तो वो सम होगा ये बेसिक है कोलाशियस लॉ तो अपना जो आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर वन सम ऑफ द कनेक्टिव ऑफ कैटायन एंड एनायन थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर